सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर ध्यान नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। मंजिल को पाने के लिए पैरों के साथ नहीं हौसलों के साथ चलना पड़ता है। एक शक्तिशाली सोच और आत्म केंद्रित होकर आप वो सभी पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। परेशानी में जो सीख और अनुभव मिलता है वह दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। आज का पंचांग 21 सितम्बर 2023 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:42 से 3:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 21 सितम्बर 2023 दिन गुरुवार, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रहे हैं। आज कोई ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जो आपके होंठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएगी। आशा पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे। समय मजे में बीतेगा लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कई तरह की गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा, आपके व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। फोन कॉल के माध्यम से आज कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। युवा जल्दबाजी के बजाय सहज तरीके से सोच समझकर अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें तो कार्य सुगमता से बनते जाएंगे। अपने कामों में सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगत की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में सोच समझकर निर्णय लें। गैस की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी करने से परहेज करें तथा कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से आपके कार्यों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। धैर्य और शांति बनाकर रखें। सुकून पाने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार रहें। जो किसी के साथ संबंध में है उनके निजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है। आप या तो शादी कर सकते हैं या लीव इन में रहने की योजना बना सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको काफी निवेश करना पड़ेगा क्योंकि घर को रीमॉडल करने की जरूरत होगी। जो अकेले उन्हें कोई अंतरंग और मजेदार आदमी आज मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और ये तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी ना हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता ले सकते हैं, मजबूत रहने में मदद करेगा। कारोबारी गतिविधियों में चल रही समस्या का आज समाधान मिलेगा तथा कार्य प्रणाली में गति आएगी जिससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होगी। कामकाजी महिलाओं को घर तथा प्रोफेशनल के बीच तालमेल रखने में कुछ दिक्कतें आएगी। सरकारी नौकरी में कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। गैस और कब्ज की दिक्कत से राहत पाने के लिए अपने खान पान को व्यवस्थित करना ज्यादा जरूरी है। सांस संबंधित दिक्कतें भी आज आपको परेशान करेगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया तो मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। आज का उपाय।
आज आप पीले रंग के कपड़े पहने इस उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।